क्लास 11th। चैप्टर 6.1 तने की आंतरिक संरचना। एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। कल हम लोगों ने एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना पढ़ी थी, आज एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना, ठीक है। एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। कल हम लोगों ने एक बीजपत्री रूट्स की आंतरिक संरचना पढ़ी थी। इसके आधार पर एक बीजपत्री का, कल मैंने बताया था कि एक बीजपत्री मतलब होता है कि ऐसे पौधे या ऐसे बीज जिनको दो अलग अलग भागों में नहीं, बीजों को अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता, उसके कहते हैं एक बीजपत्री, ठीक है। कल हमने मक्के की जड़, मक्के के जो एक बीजपत्री जड़ है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम एक बीजपत्री तने के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात आती है इसकी सबसे बाहरी लेयर। सबसे बाहरी लेयर होती है एपिडर्मिस। क्या होती है सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है। ये एक स्त्री होती है, पर इसके ऊपर क्या होता है क्यूटिकल का आवरण है। ये क्या होती है एक स्त्री होती है। और तने पर कभी भी रूट हेयर्स या रूट हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते। ये क्या हो गई तने की, इसके ऊपर क्यूटिकल का एक मोटा आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है क्यूटिकल का एक मोटा आवरण पाया जाता है तने पर, ठीक है। इस पर क्या होता है क्यूटिकल का एक मोटा आवरण पाया जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर आएगा क्यूटिकल का मोटा आवरण, क्यूटिकल। और ये वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस। और इसके नीचे वाला भाग होता है हाइड्रोडर्मिस। इसके नीचे वाला भाग क्या होता है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस और क्यूटिकल के बीच, ये वाला क्यूटिकल, फिर बीच में एपिडर्मिस और इसके नीचे होता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस ये होता है हाइपोडर्मिस, ठीक है। क्यूटिकल, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे ऊपरी लेयर होती है उसके नीचे ऐसे, उसके नीचे क्यूटिकल का आवरण होता है ना। नीचे जाकर क्या होता है संवहनी पुल होता है एंडोडर्मिस। लेकिन तने की आंतरिक संरचना में क्या होता है क्यूटिक जो संवहनी पुल जो रहते हैं वो पूरे क्यूटिकल में और ग्राउंड टिश्यू में फैले हुए रहते हैं, पूरे उसमें फैले हुए रहते हैं। इस टाइप से ये सब क्यूटिकल कॉर्टेक्स, सॉरी रूट्स में क्या था कि रूट्स में ऊपर एपिब्लेमा था, नीचे कॉर्टेक्स था और नीचे जाकर संवहनी पुल अलग से थे। लेकिन वो रूट्स की बात थी, किसकी बात थी रूट्स की बात थी। लेकिन जब बात हम किसकी करते हैं स्टेम की करते हैं तो इसमें जो संवहनी पुल होते हैं वो क्या होते हैं वेस्कुलर बंडल पूरे उसमें बिखरे हुए रहते हैं, क्यूटिकल और ग्राउंड टिश्यू में फैले हुए रहते हैं और इसी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इस टाइप से ये पूरा वेस्कुलर बंडल इस टाइप से बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, इसमें इन्हीं के नाम के आधार पर मैं अलग से एक बना के बताती हूं। ऐसे बिखरे हुए रहते हैं जिसमें ये वाले जो भाग होते हैं वो कहलाते हैं मेटाजाइलम। मेटाजाइलम, ठीक है।
और इसके नीचे जो भाग होता है यहां पर प्रेजेंट होता है वो होता है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम और यहां जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं फ्लोएम। ठीक है, और ये वाला पूरा भाग जो रहता है ये वाला भाग कहलाता है ग्राउंड टिश्यू। और उसके ऊपरी भाग जो रहता है ग्राउंड टिश्यू नीचे उसकी यहां वाला भाग जो ये भी जो हाइपोडर्मिस के ऊपर वाला भाग होता है वो होता कहलाता है कॉर्टेक्स। इस टाइप से पूरे संवहनी पुल क्या होते हैं, पूरे कॉर्टेक्स और ग्राउंड टिश्यू में फैले हुए रहते हैं अलग अलग। जैसे एपिडर्म उसमें रूट्स में नीचे की साइड थे लेकिन इसमें क्या होता है पूरे उसमें बिखरे हुए रहते हैं और यंग अलग रहते हैं बाहर की तरफ कैसे प्रेजेंट रहेंगे वो यंग वेस्कुलर बंडल होते हैं और जो बीच में होते हैं वो परिपक्व। सबसे पहली बात ऊपर एपिडर्मिस की बात करते हैं, ये एपिडर्मिस वाला भाग है इसको एपिडर्मिस कहते हैं लेकिन एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है क्यूटिकल का एक मोटा आवरण पाया जाता है जिस पर मूल रोम नहीं होते। क्या नहीं होते, रूट रोम्स नहीं पाए जाते, जैसे उस पर रूट हेयर्स प्रेजेंट है इसलिए ऐसे स्टेम पर हेयर्स नहीं होते। दूसरी बात आती है हाइपोडर्मिस की, हाइपोडर्मिस नीचे वाला भाग जो रहता है वो एपिडर्मिस के नीचे वाला भाग जो रहता है वो हाइपोडर्मिस कहलाता है। यह बाह्य त्वचा के सबसे नीचे स्क्लेरल काइमेट्स कोशिकाओं का बना होता है। कितने स्तरों का बना होता है, 2 से 3 कोशिकाओं का बना होता, 2 से 3 स्तरों का बना हुआ रहता है। और उसके फिर अगली बात आती है वेस्कुलर बंडल की, ये सारे वेस्कुलर बंडल है, इन सबकी बात आती है। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं कि ये इसमें संयुक्त और समपार्श्व एवं बंद प्रकार के संवहनी बंडल पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं और इसमें कैम्बियम का भी अभाव होता है। ये पूरे ग्राउंड टिश्यू और इसमें क्या होते हैं फैले हुए रहते हैं, ग्राउंड टिश्यू और कॉर्टेक्स में पूरी तरह से फैले हुए रहते हैं। इसी के आधार पर इसी के अंदर और एक समूह में बंद प्रकार के मतलब एक उसमें बंद रहते हैं जिसमें फ्लोएम मेटासाइलम और प्रोटोजाइलम तीनों प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं पाया, इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं पाया जाता और इसमें पिथ भी नहीं पाया जाता। किसका अभाव होता है इसमें, पिथ का, जो रूट्स में प्रेजेंट होता है बीच में मेटासाइलम प्रोटोसाइलम के बीच में जो प्रेजेंट होता है पिथ वो रूट इसमें स्टेम में अब्सेंट रहता है, इसमें नहीं पाया जाता। ये है एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना, बहुत इजी है। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर बंडल। ठीक है, कॉर्टेक्स और ग्राउंड टिश्यू इसको इसके अंदर ही लिखना है कि ग्राउंड टिश्यू कहां पर प्रेजेंट होता है और कॉर्टेक्स कहां पर प्रेजेंट होता है।